नेम इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। जैसे कि आपको पता है आजकल हर एक चीज के ऊपर, यानी कि वेस्टर्न हो या फिर आपका एथनिक वेयर हो, ट्रेडिशनल हो, साड़ी के साथ, सूट के साथ, ड्रेसेस के साथ और यहाँ तक कि क्रॉप्स के साथ भी आजकल बेल्ट पहने जा रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बेल्ट्स लेकर आई हूँ जिसमें आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। प्लस ये बेल्ट्स ऐसे हैं जिनको कि आप हर एक चीज के ऊपर यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे बेल्ट मंगाए हैं जो कि हैवी में भी है, जो कि नॉर्मल आप ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, जीन्स के साथ पहन सकते हैं, एथनिक के साथ अच्छे तरीके से वो जाते हैं, वेस्टर्न के साथ भी बहुत अच्छे जाते हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, क्वालिटी देखना चाहते हैं, किस तरीके का लगता है पहनने के बाद, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं एंड तक। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बेल्ट है ये है ब्लैक सीक्वेंस बेल्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे में सीक्वेंस है और ये लटकन वाली जो लेस आजकल आप लोग देख रहे होंगे जो चल रही है काफी ज्यादा, वो इसमें नीचे दी गई है थोड़ा सा इसको हैवी लुक और क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर डोरी है यहाँ पर, तो आप इसको इजीली पीछे की तरफ बांध सकते हैं अपनी बैक में। और आप अगर इधर अंदर की तरफ हम अगर इसके देखते हैं तो बहुत ही प्लेन सॉफ्ट कपड़ा लगाया गया है ताकि ये हमारे स्टमक पर, अगर आप इसे साड़ी पर पहनते हो तो ये आपको अंदर की तरफ प्रेस ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है पेट पर जो ये स्टोन्स होते हैं इसकी वजह से उठना बैठना कई बार पड़ता है, तो ये जो है स्क्रैचेस बना देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस बेल्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अगर आपकी कोई लाइट कलर की साड़ी है जिसका कॉन्ट्रास्ट जाता है ब्लैक के साथ तो वहां पर आप लोग इसको पहन सकते हैं। इवन दो अगर आपकी कोई व्हाइट कलर की ड्रेस है या आपने लॉन्ग शर्ट पहनी है जैगिंग के साथ, उस पर भी ये बहुत ही अच्छी जाती है। सो नेक्स्ट ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी व्हाइट कलर की बेल्ट है। कलर मैंने सारे ही बहुत ही अच्छे अच्छे मंगाए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगों को एक हर्ट शेप मिलती है, व्हाइट कलर के स्टोन्स मिलते हैं, व्हाइट कलर की ये पूरी बेल्ट है। और यहाँ पे ये बीच का जो पार्ट है ये इसका इलास्टिक वाला है, आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर आपका ये आ जाता है, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे तरीके से बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं एक चीज और बताऊं आपको, जो ये वाला पार्ट है इसका जहां पर आप इसे लॉक करेंगे ये बहुत छोटा है ताकि जो एक्स्ट्रा है वो ज्यादा ना निकले और अजीब ना लगे। तो ये बेल्ट आप लोग अपने जींस के साथ भी कैरी कर सकते हैं, अपने ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और जो इसका बक्कल है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जो इसकी यहाँ पर स्टिचिंग की गई है वो भी बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छी स्टिचिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। सेम जैसे कि अभी आपने ब्लैक कलर की बेल्ट देखी उसी में ही मैंने सेम मंगाया है, ये बिल्कुल सेम है। सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिल्वर कलर का है, व्हाइट बेस पर सिल्वर सीक्वेंस, प्लस यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के ये आपको मिल जाएगी लटकन जो मैंने आपको दिखाई है जो सेम उसमें थी। बहुत ही प्रिटी ये बेल्ट है। दो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं, अंदर से अगर हम देखें तो यहाँ पर व्हाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है ताकि आपके पेट पर कोई भी स्क्रैच ना आए। और काफी ज्यादा सुंदर ये सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी सीक्वेंस निकल नहीं रहा क्योंकि सिलाई हो रखी है, इन सीक्वेंस में सिलाई हो रखी है, इसको मशीन के साथ सेट किया गया है, उसके बाद यहाँ पर पीछे कपड़ा लगाया गया है ताकि एक अच्छी एलिगेंट लुक आए। तो ये मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर मंगाया है क्योंकि अगर आप लोग साड़ी ज्यादा पहनते हैं, ड्रेसेस ज्यादा पहनते हैं और अगर आपको पार्टी या फंक्शन में भी जाना है, सिल्वर, ब्लैक, गोल्डन ये ऐसे कलर होते हैं जो कि सब पे चलते हैं और आपके पास ये होना ही चाहिए। जैसे ब्लाउजेज में होता है ना सिल्वर, ब्लैक और गोल्डन आपके पास होना ही चाहिए, तो सेम यही वो काम करता है। सो ये हो गया हमारा व्हाइट। सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को लीव्स देखने को मिलते हैं, दो लीव्स हैं, उसी के साथ ये पर्ल का काम यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पर आप लोगों को तीन पर्ल लेयर देखने को मिलती है जो कि बहुत ही क्रिएटिव सा लुक डिजाइन कर रही है यहाँ पर इसका। ये बेल्ट आपकी बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेसेस के साथ, जींस पर बहुत अच्छा लुक देती है। अगर आपने हाई वेस्ट जींस पहनी है उस पर भी ये बहुत अच्छी लगती है। ये स्ट्रेचेबल होती है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेचेबल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने साइज के हिसाब से मंगानी पड़ेगी, नहीं, साइज इनका हर कोई यूज कर सकता है क्योंकि आपने देखा जैसे पहले वालियों के पीछे स्ट्रिंग्स है लंबे लंबे, तो कोई भी होगा वो इन्हें पहन सकता है, ये स्ट्रेचेबल है, कोई भी पहन सकता है, ज्यादा नॉब्स की दिक्कत नहीं आती, जैसे कि पहले हमें होल करने पड़ते थे वो सब दिक्कत नहीं आती है। सभी प्रोडक्ट के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ये ब्रॉड बेल्ट जो कि ड्रेसेस के साथ काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये पूरी इलास्टिक होती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की, और साथ ही में यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा बो का शेप दे रही है, और ये पीछे से हुक होता है, हुक में इस तरीके से डल जाती है और इस तरीके से ओपन हो जाती है। इसका जो ये बो का पार्ट होता है ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये आपके पेट पर हार्श नहीं होता बिल्कुल भी। प्लस ये जो बेल्ट है ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो आपको ये बिल्कुल भी लगती नहीं है। और हम इन्हें ड्रेसेस पर कैरी करते हैं तो वैसे भी हमारे एक लेयर बन जाती है ड्रेस की, तो ये ज्यादा हर्ट नहीं करती हमें, और बहुत ही प्रिटी और बहुत ही गॉर्जियस सा लुक देती है ये पहनने के बाद। ये वाली जो बेल्ट है या कमरबंद है ये थोड़े से हेवी में है क्योंकि इसमें स्टोन्स का काम है, क्योंकि मैं इसको साड़ी के साथ कैरी करना चाहती हूँ तो थोड़ा सा मैंने हेवी में मंगाया है। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत ही क्यूट, और ये जो है ना ये हाफ मून शेप में है, मतलब एक कर्व सा आपको दिख रहा होगा, ये पूरी स्ट्रेट नहीं है क्योंकि जैसा कि कमरबंद होते हैं वो हल्के से झुके हुए आते हैं इस तरीके से। आप अगर इसे साइड में भी पहनेंगे तो ये हल्का से एक ऐसा झुका हुआ लुक देती है जो कि अच्छा लगता है, फिर आप इसको यूं करके टक कर सकते हैं। इवन दो आप अगर इसे बीच में भी पहनना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से यहाँ पर पर्ल का काम किया गया है, ब्रॉन्ज कलर के, ब्राउन कलर के स्टोन्स का काम किया गया है, मोतियों का काम है इसमें, और यहाँ पर लटकन भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये कलर है कॉपर, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपर कलर भी आजकल साड़ियों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो कि मिल जाता है, तो सिल्वर और ब्लैक के साथ मैंने कॉपर को भी मंगाया और थोड़ा सा हैवी में मंगाया क्योंकि कॉपर ना ऑलमोस्ट सारी साड़ियों में मिल जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये भी है कि कॉपर रेड के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, कॉपर आपका ब्लैक के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, ब्लू के साथ भी बहुत अच्छा जाता है, और साथ में जो यहाँ पर व्हाइट कलर का काम है ना ये आपको ओवरऑल लुक देता है कि आप इसे किसी के भी साथ पहन सकते हैं। सो हमारी फाइनल बेल्ट की बात करें तो इस तरीके से बॉक्स में आती है ये वाली बेल्ट हमारी। ये वाली जो बेल्ट है ये नॉर्मली आपकी ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, साड़ी के साथ, सूट के साथ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये ज्यादा हैवी में नहीं है, कॉपर कलर की है, हर्ट बने हुए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये फिर पतली सी बेल्ट है एक, उसके बाद यहाँ पर पीछे आप लोगों को चेन मिल जाती है जिससे कि आप इसे लॉक कर सकते हैं, और लॉक करने के लिए भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर ओपन एंड क्लोज वाला हुक यूज किया गया है जो कि इसको और वर्दीनेस देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा लुक देता है, जैसे कि उन वाली बेल्ट में आप लोगों को नॉर्मल जो पजेब वाले हुक होते हैं एट वाले वो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नॉब हुक मिलता है, लेकिन ये ड्रेसेस के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सो यहाँ पर ये थी हमारी फाइनल बेल्ट। सो ये थी सारी बेल्ट्स जो कि मैंने मंगाई है सूट साड़ी और ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए, जींस के साथ भी कैरी आउट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, चल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।